नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन गुप्ता आपके अपने चैनल गुप्ता इमिग्रेशन में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज हम बहुत ही बढ़िया कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, पुर्तगाल कंट्री के बारे में। दोस्तों तो सभी का यही एक ड्रीम होता है, सपना होता है कि शेंगेन कंट्री में जाएँ और वहाँ पर जाके अपनी सेटिंग जो है वो पुर्तगाल में कर लें। पुर्तगाल क्यों चूज़ किया जाता है दोस्तों? उसमें TRC कार्ड जो है वो जल्द बन जाता है और वहाँ पे आपकी जो PR होने के चांस होते हैं वो बाकी शेंगेन कंट्री के अलावा वो जल्द वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और जल्द वहाँ पे आप रेजिडेंसी परमिट पा सकते हैं। दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुर्तगाल बहुत ही प्यारी कंट्री है शेंगेन की, एक जिसमें आप जल्द से जल्द पक्का हो सकते हैं, आप वहाँ पे रेजिडेंट परमिट पा सकते हैं और अच्छा काम भी वहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं। दोस्तों तो वहाँ भेजने के लिए मेरे पास आपके लिए दो तरह का वीज़ा है आज की डेट में। एक शेंगेन वीज़ा है, एक आपके लिए पुर्तगाल का डायरेक्ट वर्क परमिट भी आ रखा हुआ है। दोस्तों तो जो वर्क परमिट है वो एग्रीकल्चर का काम रहेगा, उसके अंदर आपकी सैलरी रहेगी 700 से 800 यूरो, कईयों की 900 यूरो सैलरी भी लग के आती है। तो ये जो वर्क परमिट है इसकी टाइमिंग रहती है 45 दिन, 50 दिन, इनके अंदर आपका ये जो है ये काम हो जाता है। दोस्तों तो दूसरी जो कैटेगरी है वो है शेंगेन वीज़े की, जिसके आपके पासपोर्ट पे शेंगेन वीज़ा लगता है, उसके बिहाफ के ऊपर भी आप पुर्तगाल जाके इलीगल आपकी जाना नहीं होता, ये लीगल एंट्री मानी जाती है। लीगल एंट्री पे आप पुर्तगाल में जाके अपना TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आप लीगल रह सकते हो और काम भी कर सकते हो। दोस्तों तो ये थे दो कैटेगरी जिसके हिसाब से आप जाके वहाँ पे काम और वहाँ पे आप लीगल एंट्री पे रह भी सकते हो। दोस्तों आपको एक बड़ी खुशखबरी ये भी बताना चाहता हूँ कि इन दोनों कैटेगरी में हम आपसे कुछ भी चार्जेस एडवांस में नहीं ले रहे हैं। इन दोनों कैटेगरी की जो वीज़े की पेमेंट रहेगी वो आफ्टर वीज़ा ही रहेगी। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स थोड़े से बता देता हूँ, इसके अंदर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट चाहिए, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोग्राफ चाहिए, स्टडी के डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट चाहिए। दोस्तों आपको ये बैंक स्टेटमेंट वाली जो बात है ये आपको शेंगेन वीज़ा के अंदर चाहिए। जिनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं भी है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी हम काम करवा देंगे। एक बार आपको फाइल जो है अपनी हमारे साथ शेयर करनी पड़ेगी, उसके बिहाफ के ऊपर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो जिन लोगों की रिफ्यूज़ल भी है शेंगेन वीज़े के अंदर वो भी इस कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं, शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों शेंगेन वीज़े की जो डेट जो दिन लगते हैं वो एक महीने का टाइम पीरियड है, एक महीने के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है, उसके बाद आपने पेमेंट जो है वो पे करनी होती है। दोस्तों तो अगर कोई भी हमारा व्यूवर्स या हमारा दोस्त जाना चाहता है शेंगेन पुर्तगाल के अंदर या किसी भी शेंगेन कंट्री के अंदर, तो प्लीज़ वो इस दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा और आपको इसके बारे में बेहतर जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा ये वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास ये वीडियो जा सके और जो भी अपना सपना पुर्तगाल के अंदर जाके अपना रहना चाहता है, वहाँ पे लीगल एंट्री करके अपना वहाँ पे सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।